एनवायरनमेंट के लिए मैंने स्टार्टिंग में वो शंकर आयस पढ़ी थी, सब लोगों ने रिकमेंड किया, वो बुक अच्छी है, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं बहुत, बट एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें बहुत ज़्यादा. और मैंने देखा कि उसे पढ़ लो लेकिन थोड़ा थोड़ा समझने के लिए सेलेक्टिवली. बाकी जो इश्यूज़ चल रहे हैं ना न्यूज़ में, उन पर थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए, जैसे पोल्यूशन है दिल्ली में, या कोई पीएम का पीएम 2.5-10 का इशू चल रहा है या कुछ है, तो उसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से पिकअप होते हैं. कोई वो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, पेरिस समिट है, डील है, तो ये सब चीज़ों को जो न्यूज़ में है, मैं ट्राई करता था कि एक बार उनका बैकग्राउंड जो है वो अच्छे से कवर कर लूँ, तो वो हेल्प कर देता है.